हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। तो यस, हमारा नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, जहां पे हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एमसीओ 3 से रिलेटेड है एंड दिसंबर के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो इस वाले दिसंबर में जो एग्जाम होगा उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से आपको स्टडी करना है, राइट? सो आप इस नोट्स को हालांकि बाय कर सकते हैं, थोड़ा नोट्स के बारे में प्रमोशन कर दो भाई अपना। सो ये नोट्स आपके लिए अवेलेबल है जस्ट एट ₹250 पर पेपर, हालांकि ग्रुप मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। और जितने सारे पेपर्स अगर आप एक साथ लेते हैं, अगर आप अपने थर्ड सेमेस्टर के पेपर्स अगर आप एक साथ लेते हैं, यू कैन गेट दिस नोट जस्ट एट ₹250 पर पेपर। अदर स्टूडेंट्स के लिए ₹300 पर पेपर है, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट, है ना। वन नंबर में दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट, और दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा विद एग्जांपल्स, ठीक है? सो टू क्वेश्चंस हियर आर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज दो क्वेश्चंस काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कम करें बट अच्छे तरीके से करें, ठीक है? तो पहला हम लोग करेंगे यहाँ पे, हालांकि बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आपको बस सिंपली हमारे चैनल पे आकर के प्लेलिस्ट सर्च करना है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, जहां पे आप बहुत आसानी से स्टडी कर सकते हो एंड एग्जामिनेशन आप बहुत अच्छे से पास कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियोज का प्लेलिस्ट एंड अलॉन्ग विद द नोट्स दैट वी विल प्रोवाइड, ठीक है? इसके साथ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और असाइनमेंट्स भी। तो अगर किसी को असाइनमेंट्स चाहिए तो मैं तो कहूंगा कि आप फटाफट नोट्स बाय कर दीजिए, असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ नोट्स तो आपको मिल ही रहा है, राइट? तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज और बताता चलूं। यहाँ पे देखिए एक नंबर में टोटल 10 पॉइंट्स हैं, इन्हीं 10 पॉइंट्स को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक चीज और बताता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिलती रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट, एक अच्छे रिसर्च रिपोर्ट की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, है ना? सबसे पहला पॉइंट है क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, राइट? जो भी आप लिखना चाह रहे हो, जो भी आप बताना चाह रहे हो, है ना, अपने रिपोर्ट में, वो कंप्लीटली उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बंदा पढ़ रहा है उसको पढ़ करके और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए, राइट? तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। प्रिसीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया, प्रिसाइज वे में छोटे तरीके से आप चीजों को जितना बेहतर समझा सकते हो उतना अच्छा है, राइट? सो क्लैरिटी एंड प्रिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द रिपोर्ट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज, जो रिपोर्ट है वो एकदम क्लियर और प्रिसाइज होना चाहिए। अवॉइडिंग एनी एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि कोई कंफ्यूजन, किसी दो टॉपिक्स में कंफ्यूजन, है ना, या वेगनेस, दोनों का मतलब तकरीबन सेम है। किसी भी तरह का एम्बिग्विटी या फिर वेगनेस नहीं होना चाहिए। वेगनेस का मतलब हो गया कि आपने कोई बात क्लियर कट नहीं बोली, आपने अंदेशा लगाया या आपने अनुमान लगाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेगनेस, वो हेजीपन नहीं होना चाहिए, वो क्लियर कट होना चाहिए कि जो भी आपका रिपोर्ट है वो एकदम क्लियर कट है, राइट? सो वेगनेस नहीं होना चाहिए। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए ताकि सामने वाले बंदे को समझ में आ जाए, और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। उस लैंग्वेज से किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा ये आपको नहीं सोचना है। जो भी टास्क आपको दिया गया है वो रिपोर्ट का तैयार करने का, सिंपली आप ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट तैयार करो, किसी को कैसा लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल होना चाहिए। मेकिंग इट इजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, है ना, जिससे क्या फायदा होगा कि जो रीडर होगा, जो उस कंटेंट को पढ़ रहा होगा, उसके लिए काफी ज्यादा आसान वो चीजें हो जाएंगी उसको समझना, है ना? तो पहला पॉइंट हो गया क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। दूसरा पॉइंट है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस का मतलब ये है कि चीजों को छोटा करके बताना। किसी भी आंसर को मैं चाहूँ तो काफी लंबा लिख सकता हूँ, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐड करके, बहुत सारी चीजें ऐड करके, लेकिन वो नहीं करना है रिपोर्ट में। रिपोर्ट में सिर्फ टू द पॉइंट जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतनी ही आपको मेंशन करनी है। तो कंसाइजनेस का मतलब यही है कि आपको पॉइंट्स उतने ही देने हैं, उनको उतना ज्यादा लंबा नहीं करना, लेंदी नहीं करना, नहीं तो वो बोरिंग हो जाएगा, है ना? तो उस चीज के ऊपर भी ध्यान देना है। सो अ गुड रिसर्च रिपोर्ट इज कंसाइज, है ना, कंसाइज होता है, इंक्लूडिंग ओनली द मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है आप सिर्फ उनको इंक्लूड करते हो एंड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, और जो अननेसेसरी डिटेल्स होता है जिनको जानना जरूरी नहीं है उसको आप अवॉइड करते हो, आप उसको आप अपने रिपोर्ट में उसको शामिल नहीं करते हो। इट शुड बी कॉम्प्रीहेंसिव येट टू द पॉइंट, है ना, ये कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए लेकिन टू द पॉइंट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया, ठीक है? सो क्लैरिटी एंड प्रिसीजन एंड कंसाइजनेस, ये दो पॉइंट हमारा हो गया। तीसरा पॉइंट है लॉजिकल स्ट्रक्चर।
So the report should follow a logical structure, typically including an introduction, literature review, methodology, sorry, methodology, results, discussion and conclusion, है ना? तो जो स्ट्रक्चर होगा भाई, है ना, पहले अवा क ख पढ़ेंगे, तब जाकर के शब्द बनाना सीखेंगे ना, तब जाकर के आप वाक्य बनाना सीखोगे ना, तो ये क्या है? एक प्रोसेस है, राइट? उसी तरीके से जब आपका स्ट्रक्चर बनाओगे, जब आप रिपोर्ट बनाओगे, तो रिपोर्ट भी आपका एक स्ट्रक्चर वाइज चलेगा कि पहले ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो करेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात की गई है, लिटरेचर रिव्यू की बात की गई है, किसी ना किसी मेथोडोलॉजी को आपको अपनाना पड़ेगा अगर आपको प्रोजेक्ट पूरा करना है, जो रिजल्ट आएगा उसकी बात की गई है, डिस्कशन की बात की गई है और कंक्लूजन की बात की गई है। तो इस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है जब भी आप रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं, राइट? तो इस चीज के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। दिस हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिकली, ये आपको हेल्प करता है अपने इन्फॉर्मेशन को ठीक तरीके से सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करने में, राइट? चौथा पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अगर आपने रिपोर्ट तैयार किया और उसमें एक्यूरेसी ठीक नहीं है, आपका रिपोर्ट जो है ठीक तरीके से लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एक्यूरेट नहीं है, कुछ और डेटा आपने डाल दिया है, अप्रोक्सीमेटली वाला डेटा डाल दिया है, तो वो दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो एक्यूरेसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट शुड बी एक्यूरेट एंड बेस्ड ऑन द क्रेडिबल सोर्सेज। दोनों बात बोली गई है कि एक्यूरेट भी होना चाहिए और जहां से भी आप इन्फॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, चाहे आपने खुद से फाइंड आउट किया या कहीं और से आपने लिया है, तो वो चीजें भी जो है वो रिलायबल होना चाहिए, क्रेडिबल सोर्स से होना चाहिए, है ना? जैसे कि किसी ऐरे गहरे वेबसाइट से आपने सर्च करके बता दिया कि इस चीज का स्कोर जो है वो इतना है, ऐरे गहरा वेबसाइट, है ना, समझ रहे हो? तो वो गलत हो जाएगा। जो सही, जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, ऐसा वेबसाइट सारी चीजें सच्ची होती हैं, अच्छी होती हैं, वहां से आपको लेना है भाई, राइट? डेटा शुड बी वेरीफाइड एंड फ्री फ्रॉम एरर्स। जो डेटा आप यूज करोगे वो कंप्लीटली यू नो फ्री फ्रॉम एरर्स होना चाहिए, किसी भी तरह की गलती उसमें नहीं होनी चाहिए और वेरीफाइड होना चाहिए, राइट? पांचवा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। द रिपोर्ट शुड बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव मतलब हो गया कि जो भी आप जानना चाह रहे हो वो चीजें आपको वहां से समझ में आ रही है। सब्जेक्टिव नहीं है कि आपने हर चीज को वहां पे डिटेल में लिख रखा है, है ना? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्रेजेंटिंग फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स विदाउट पर्सनल बायस, है ना? वहां पे जो भी चीजें आप लोगों को दिखा रहे हो, जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, है ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसको आप बिना किसी पर्सनल बायस के आप चीजों को जस का तस दिखा रहे हो। जो रिजल्ट आपका आया है आप वही शो कर रहे हो, आप वहां पे बायस नहीं हो रहे हो। और सब्जेक्टिव ओपिनियंस, है ना? सब्जेक्टिव में क्या होता है कि लोग समझाने लग जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, अगर ऐसा गलत आ रहा है तो इस वजह से आ रहा है, ये मुझे नहीं जानना कि क्यों आ रहा है, किस लिए नहीं आ रहा है, जो आ रहा है भाई मुझे वो बताओ। सिंपल सी बात है, जो जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। क्यों आ रहा नहीं हो रहा है उसके लिए एक अलग से रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, है ना? बट जो भी जिस टॉपिक के बारे में आपको रिपोर्ट तैयार करने को गया वो भाई सही होना चाहिए, राइट? तो ऑब्जेक्टिव। चौथा है कोहेरेंस। सो द रिपोर्ट शुड बी कोहेरेंट विद ऑल सेक्शंस लॉजिकली कनेक्टेड एंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग स्मूथ एंड कंसिस्टेंट, है ना? So, सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। ऐसा भी आपको ना लगे कि इस रिपोर्ट का इस पेज किसी और चीज से जुड़ा हुआ है और दूसरा पेज किसी और चीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है? सो द रिपोर्ट है वो कोहरेंट होना चाहिए। सेक्शंस जो है, जो लॉजिकली जो भी चीजें होनी चाहिए कनेक्टेड, उसको आपको सेक्शन वाइज जो है कनेक्ट करना है, राइट? और इससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा है वो स्मूथली और कंसिस्टेंटली कर पाएगा, है ना? तो वो कहेगा भाई फर्स्ट पेज में किसी और चीज के बारे में बात की गई है, सेकंड पेज में आप कहीं और लेकर के जा रहे हो मुझे, है ना? सो वो भी नहीं चाहिए। सो कोहेरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां पॉइंट है एविडेंस बेस्ड। जो भी आपका रिसर्च है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी जो है लिख दिया है और जो भी आप तर्क वहां पे कर रहे हो, जो भी चीजें आप लिख रहे हो, उसके लिए कोई बैकिंग आपके पास है ही नहीं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि आपने जो चीजें लिखी है वो किस बेसिस पे लिखी है, है ना, तो बेसिस तो आपके पास है नहीं, वो तो आप फंस जाओगे फिर। सो जो भी आप रिपोर्ट तैयार करोगे या कुछ भी अगर आप करोगे अपने लाइफ में भी, तो उसके लिए एविडेंस होना चाहिए। आप अगर कोई नई थ्योरी ट्राई कर रहे हो, अगर आप कुछ चीजें नई ट्राई करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, तो डेफिनेटली आप ये चेक करोगे ना कि उसका, जिन लोगों ने उस चीज को पहले इस्तेमाल किया है उनको कैसा एक्सपीरियंस मिला है, राइट? तो वो कैसे पता चलेगा, वो एविडेंस से पता चलेगा। तो वो एविडेंस का होना इस चीज में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? सो एविडेंस बेस्ड। सो द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजंस कितने गए भाई? हाँ, सो द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजंस ऑफ द रिपोर्ट शुड बी बैक्ड बाय सॉलिड एविडेंस, है ना? जो भी फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजंस आ रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए सॉलिड एविडेंस चाहिए, सच एज डेटा, चार्ट, ग्राफ, है ना, एंड रेफरेंसेस टू क्रेडिबल सोर्सेज। ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। रेलेवेंस,
द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट शुड बी रेलेवेंट, जो कंटेंट है वो रेलेवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया। जैसे कि कई लोग करते हैं एग्जामिनेशन में कि स्टार्ट तो ठीक तरीके से करते हैं लेकिन बीच में वो कुछ भी लिख के आ जा रहे हैं, है ना, कंटेंट उनका सही नहीं है। तो भाई साहब मैं बता दूं कि अगर जो चेकर है, जो चेक कर रहा है आपका रिजल्ट, अगर उसको जगह से ये बनक दिखी ना कि स्टार्टिंग में आपने ठीक लिखा है, एंड में आपने ठीक लिखा, लेकिन बीच में आपने भाई अपने हिसाब से कुछ भी वहां पे लिख दिया है, तो फिर आपके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए। वी आर हेयर विथ यू, किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए, नोट्स, असाइनमेंट्स, वॉट एवर यू वॉन्ट, इवन ऑनलाइन लेक्चर्स भी अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, वी कैन डिस्कस इट, राइट। कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, एंड आई विल बी देयर फॉर टू हेल्प यू, ठीक है ना। सो वो करना है भाई। सो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, चार्ट एंड ग्राफ्स वगैरह वगैरह, और रेलेवेंट मैं अभी बता रहा था आपको, तो रेलेवेंट होना चीजों का बहुत जरूरी है। अगर रेलेवेंट ही नहीं है तो फिर मैं पढ़ के क्या करूंगा, वो जो रिसर्च है वो अगर मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, मैं उस रिसर्च को पढ़ के क्या करूंगा। रिसर्च बहुत तरह की जाती है, पर क्या किसी जानवर के ऊपर किया गया रिसर्च क्या मेरे लिए बेनिफिट हो सकता है उससे? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो मेरे फील्ड से रिलेटेड जो होगा, जो मेरे फील्ड से रिलेवेंट होगा, मैं उसी को करूंगा ना। तो जो भी रिसर्च आप रेडी, जो भी रिसर्च प्रोडक्ट आप बना रहे हो, वो रेलेवेंट होना, उसमें चीजों का जो आप डेटा का यूज कर रहे हो वो रेलेवेंट होना, क्रेडिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड, किसी भी तरह का इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अवॉइड करना है। नौवां पॉइंट है प्रॉपर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इज लाइक यू नो सजाना ठीक तरीके से, है ना, आप सही तरीके से जा रहे हो उसको पब्लिकेशंस के पास, यू नो उसको पब्लिश करवा रहे हो वगैरह वगैरह, जो फॉन्ट है, फॉन्ट का जो स्टाइल है, जो फॉन्ट की जो साइज है ना, उन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना। फॉर्मेटिंग इज लाइक उसको कस्टमाइज करना, आप कह सकते हो, ठीक है। सो नौवां नंबर पॉइंट है प्रॉपर फॉर्मेटिंग। सो द रिपोर्ट शुड फॉलो अ प्रॉपर फॉर्मेट, जो रिपोर्ट है आपका वो प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करेगा, एडहेरिंग टू द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन और पब्लिकेशन। पब्लिकेशन ने, इंस्टीट्यूशन में जो भी आपको गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको उसको फॉर्मेट करना है। दिस इंक्लूड्स प्रॉपर साइटेशन, इसमें प्रॉपर साइटेशन की बात की जा रही है कि अच्छे तरीके से वो चीजें होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। प्रूफ रीडिंग की जाती है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं पेजेस जो सेंटेंसेज हैं वो ऊपर नीचे तो नहीं हो गए, है ना। एंड रेफरेंसिंग, यूज ऑफ हेडिंग, है ना, हेडिंग देना, सब हेडिंग देना, कंसिस्टेंट यू नो फॉन्ट का इस्तेमाल करना, जो फॉन्ट का स्टाइल है उसको ठीक तरीके से ध्यान देना। ऐसा नहीं हो कि एक पेज में आपने टाइम्स नाउ रोमन का इस्तेमाल किया, दूसरे पेज में आपने कुछ और यूज कर लिया, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। दसवां नंबर पॉइंट है कॉम्प्रीहेंसिव रेफरेंसेस। तो जो रेफरेंसेज होगा वो कॉम्प्रीहेंसिव होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब क्या, जो भी रेफरेंस आपने दिया वो छोटा है, उसे समझ में नहीं आ रहा पढ़ करके, है ना। तो जो रेफरेंसेस होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, एक पूरा का पूरा एक लिस्ट होगा जहाँ पे आपने जो भी चीजें कही हैं वो किस बेसिस पे कही हैं उसके लिए आप रेफरेंस देते हो, राइट, यही बात है ना, इसलिए हम लोग रेफरेंस देते हैं। तो रेफरेंस का जो लिस्ट है वो आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से तैयार करना होगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे जो बोली गई है। अ गुड रिसर्च रिपोर्ट शुड इंक्लूड अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस एक्नोलेजिंग ऑल द सोर्सेज, जहां जहां से आपने इंफॉर्मेशन को लिया है, जिन सोर्सेज से लिया है उनको एक्नॉलेज करना, दैट वेयर कंसल्टेड ड्यूरिंग द रिसर्च, जिनको रिसर्च के दौरान आपने कंसल्ट किया था कि आपके डेटा को हम लोग यूज करेंगे बिकॉज आपने ऑलरेडी ये किया हुआ वगैरह वगैरह, तो उसको एक्नॉलेज करना, उसको वहां पे यूज करना बहुत जरूरी है। सो कॉम्प्रीहेंसिव एक रेफरेंसेज का इस्तेमाल भी आपको करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सारे लोग तो एमकॉम नहीं कर रहे हैं, राइट, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफी ज्यादा हेल्प हो पाए। एंड यस, वी हैव द नोट्स अवेलेबल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स 300 पर पेपर इफ यू विल टेक ईच पेपर इंडिविजुअली, बट इफ यू विल टेक ऑल द पेपर्स टुगेदर और इफ यू आर अ ग्रुप मेंबर देन यू कैन गेट इट फॉर जस्ट ₹250, राइट, पर पेपर। एंड अलोंग विद दैट यू विल बी गिवन फ्री असाइनमेंट्स एंड एज वेल एज द चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।